वैसे वो आज मैं एक सब्जी दिखाने वाली हूँ, वो है अरवी के पत्ते की सब्जी, जो प्रोटीन युक्त है, खाने में मजेदार है और बनाने में बहुत ही आसान है। चलो देखेंगे देखेंगे हम इसको क्या सामग्री लगती है। ये अरवी के पत्ते है, ये सबको पता होगा अरवी के पत्ते है। इसकी ये डंडी है, एक काट के लिए कैसा काटते हैं मैं बता दूंगी। ये अम्बट चुका, जो दालचीनी डालते हैं चुके की भाजी, ये तुअर की दालें, कोतमीर है, ये इमली का पल्प है, ये बेसन है, ये भिगे हुए है मूँगफली है, ये धना जीरा पाउडर है, ये चटनी और मिर्ची पाउडर, कोतमीर, हरी मिर्ची, अदरक लहसुन, ये तेल है, ये नमक है, ये चने की दाल भिगे हुए है, और ये कच्चा नारियल और गुड़ है। अभी ये अरवी के पत्ता बताती हूँ ये कैसा निकलना है पत्ता इसका, और ये उसके डंठल, ये देख इसका। तो अभी एक कवला है, तो ये जो दो रेशों के बीच में का पत्ता निकालना है अपने पास, ऐसा ये ऐसा एक कवला इसलिए आता है, अगर बड़ा पत्ता रहा है तो नस दिखता है, तो बीच में का ही लेना है ऐसा, समझे ऐसा ले। एक कवला है तो ले सकते हैं अपन ऐसा, ये ऐसा ऐसा लेके पत्ता लेना है। बाद में ये डंडी, ये डंडी भी लेना है इसके साथ, कैसे छिलना है या ऐसा दिख रहा है या ऐसा, फिर इसके हम ऐसा तोड़ेंगे, अगर नहीं निकला होगा तो इसमें से ऐसे निकालेंगे ऐसा। ये अरवी के डंडी का स्किन निकाला है और उसको ऐसा काटा है, देखो बिल्कुल प्लेन हो गया। इसके पत्ते निकाले हैं, अभी हम इसको पत्ते को काटेंगे और उसको तवे में भुने के इसको हम पतला काटेंगे। अभी तवे पर ये और इसकी डंडी भुनना है, मगर भुनने के पहले मैं चने का जो आटा है इसको भून लेती हूँ, क्योंकि उस चने का आटा भुनने के बाद सौंधा लगता है। अभी ये भून के हो गया, इसकी खुशबू आ रही, अभी गैस बंद करेंगे हम, अब हम इसको भुनेंगे। इसको भी डालेंगे इसके अंदर, हम इसलिए इसको भूनते हैं डेट और पत्ते को, क्योंकि ये इचिंग होता है, गले में खरखर होता है, इसलिए इसको भूने ना तो खरखर नहीं होता, इचिंग नहीं होता और पकने में भी आसान होता है। अभी इसको बंद करती हूँ, हो गया भुनने का, अभी कुकर लगाएंगे। इसमें टेस्ट आने के लिए मैं चुका भी डालती हूँ, चुका अंबर। अभी इसमें हम पानी डालेंगे, इसमें हम मूली डालेंगे पकने के लिए, अभी हम इसमें चने की दाल भी उबालेंगे पकने को रखेंगे, चने भीगे हुए चने की दाल है। अब फली डालेंगे इसके अंदर, पानी डालेंगे और इसको कुकर में लगाएंगे। अभी हम कुकर लगाते हैं, दो सीटी लेते हैं। ये अभी सब्जी बन हो गई, पक गई, अभी इसको हम मिक्स करेंगे, सब घोटेंगे इसको। इसमें चने काटे डालेंगे और मिक्स करेंगे इसको, अभी इसको घोटेंगे। अभी एक एक मसाला डालेंगे इसके अंदर, ये हरी मिर्ची पेस्ट है, ये अदरक लहसुन, ये लहसुन बगार के लिए, धने जीरे पाउडर, ये धने पाउडर है, जीरे पाउडर है, सब डालेंगे। ये घर का मसाला है, इसको चटनी बोलते हैं, और मिर्ची पाउडर थोड़ी है। इसमें नमक डालेंगे हसबे जायका, ये नारियल है, नारियल डालेंगे हम इसमें, गुड़ है, हाँ। अभी अंबर चुकी की सब्जी डाली है इसके अंदर, खट्टी है,
इसलिए हम इमली का पल्प कम डालेंगे। इसको स्मैश करेंगे अभी। देखो अभी सब एक जान हो गए, मूली भाजी उसके डेंटल सब एक जान हो गए। अभी इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। पाव भाजी के साथ स्मैश करते हैं ना, वैसा करना है इसको, सब एक जान होता है। फिर सब ये होने के बाद, अरे सब भाजी एक जान हो गई, ये होने के बाद ये सब डालेंगे, जो फली और चने के दाल। सब एक जान हो गई है ना। अभी हम इसको बगार लेंगे। ये बीज बहुत रेयर है, सब लोग को मालूम नहीं है, और इससे क्या है, बहुत फायदा है, प्रोटीन है, और इससे शरीर का टॉक्सिन निकल जाता है, फिर भी गंदगी निकल जाती है। ये अरवी के पत्ते की पतली सब्जी बोले तो भी चलेगा। अभी बगार देंगे हम। अभी तेल गरम हो गया है, इसमें लहसुन डालेंगे, फेंट के लहसुन डाला हुआ है। ये हमेशा इस तरह से मेरे गार्डन का करी पत्ता है, ये भी डालेंगे। और ये ऐसा नहीं डालना है, ऐसा तोड़ के डालना है तो ये खाने में काम आता है, नहीं तो निकाल के फेंक देते हैं। इसमें विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम बहुत है। ये वेट लॉस के लिए, डायबिटीज के लिए करी पत्ता बहुत अच्छा। अभी इसमें हम जीरा डालेंगे, मेथी डालेंगे, मेथी की दो दाने डालेंगे, और राई डालेंगे, हल्दी डालेंगे। अभी हींग डालेंगे, हींग की खुशबू अच्छी है, लगती है हजमत के लिए, हींग अच्छा है। अभी तड़का देंगे हम। इसमें हरा धनिया कोथमीर डालेंगे, इसकी टेस्ट बड़ी फंटास्टिक है। क्या है, खट्टा मीठा तीखा, इसमें मुंह में फली आती है, बहुत ही अच्छा है। अब ये पक गया है, इसको अच्छा पकाना, इसको कच्चे मसाले की वो आती है इसके अंदर। अरे अच्छा पक गया, अभी आप इसको डिश आउट करेंगे। तैयार हो गया है, इसको रोटी साथ खा सकते हैं, चावल साथ खा सकते हैं। माशाल्लाह बना है।